समझाया है। पुलिस ने लोगों को ये बताया कि ऑड वाले दिन ऑड और इवन वाले दिन इवन वाली गाड़ियां ही लेकर चलें, नहीं तो उनका चालान काटा जाएगा। दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू कर दिया गया है और इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है उसके बाद ऑड इवन को लागू किया गया है और आज से ये कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस है वो भी लगातार जो है बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है कि वो कम से कम ऑड इवन का जो है एक तरह से पालन करें और उसी के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को समझाने का भी काम कर रही है और साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनको समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऑड इवन जो है उसको लागू करें ताकि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। तो आज कहीं ना कहीं जो पहली जो कवायद है वो यही है कि आज लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और कल से जो चालान की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ गाड़ियां यहां पर आई हैं, मौजूद हैं, उन गाड़ियों को रुकवाया गया है और अब जितने भी अधिकारी हैं वो उन लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप कम से कम जो है इसको लागू करें और प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं सहायता करें। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश जो है वो करते हैं कि वो यहाँ लोगों को समझा रहे हैं। सर आज चालान किया जाएगा आज या फिर लोगों से समझाया जाएगा? आज जो ऑफिसर्स की हमारी गाइड है हम इनको गाइड कर रहे हैं। आज ऑडियो लागू हो गया है, आज चलान नहीं करें, चलान कल से। तो आज क्या पूरे दिन ये जो समझाने की प्रक्रिया या फिर जागरूक की जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी? पूरे दिन हमारा स्टाफ यही काम करेगा। आप बिल्कुल, तो यहाँ पर जितने भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इनकी सहायता के लिए। और यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है खासतौर से दिल्ली गुरुग्राम का, यहाँ पर अब लोगों को जो है रुकवाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वो दिल्ली सरकार और जो की जो पहल है उसमें कहीं ना कहीं उसमें सहायता करें। उत्तर दिल्ली में ऑड इवन नियम तो लागू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों ने ये बताया कि उन्हें टैक्सी नहीं मिल रही है जबकि ऑटो वाले दोगुना किराया मांग रहे हैं। दिल्ली में आज से ऑड इवन नियम लागू हो गया है जिसके बाद से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल हम नई दिल्ली स्टेशन पर हैं जहां पर सुबह के वक्त जो गाड़ियां यहां पहुंचती है वो पहुंचने लगी हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहां पर जमा हो चुकी है क्योंकि लोग लगातार त्यौहार मना के आ रहे हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों को टैक्सी मिल रही है? नहीं, मिल नहीं रही है। दिक्कतें आ रही है टैक्सी मिलने में? बिल्कुल आ रही है। मांगा दाम मांग रहे हैं टैक्सी ऑटो वाले, मुँह मांगा दाम मांग रहे हैं टैक्सी ऑटो वाले, ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, कुछ लोग इधर भी हैं। आप बताइए मैडम, क्या टैक्सी बुकिंग नहीं हो पा रही है? भैया हमें एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया खड़े हुए यहाँ और ऑटो वाले अपने मन मर्जी 800 900 टैक्सी वाले 800 1500 रुपए तक मांग रहे हैं और जो जायज बनता है वो लेने को तैयार नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों ने अपना धंधा लूट का एक तरह से जो टैक्सी वाले ऑटो वाले ने शुरू कर दिया। आप बताएं आपको क्या परेशानी आ रही है? सर मैं लास्ट 15 मिनट से आई एम ट्राइंग फॉर ओला, मतलब बुकिंग नहीं हो रही है। आप वो नो कैब अवेलेबल दिखा रही है बार बार, कैब नहीं दिख रही है, कैब नहीं दिख रही है, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये समस्या, आपको कहाँ जाना है? मुझे तो इंदिरापुरम जाना है। तो ये समस्या जो है एनसीआर की तरफ जो लोग जाने वाले नई दिल्ली पहुंचे उनको भारी मुसीबत आ रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑड इवन की वजह से ज्यादा किराया वसूल रहे टैक्सी और ऑटो पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैलाश गहलोत ने ऑड इवन नियम मानने के लिए दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा भी किया। कैलाश गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, आज अभी सबसे पहली प्रॉब्लम जो सामने आ रही है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि टैक्सी वाले मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, 500 की जगह 1000 2000, इस पर क्या आपने सोचा है? नहीं, आपने ये चीज़ बताई है अभी और हम अभी तुरंत एनफोर्समेंट टीम तुरंत वहाँ भेजेंगे और जो भी अगर ऐसा कोई भी प्राइस सर्जिंग, ये भी प्राइस सर्जिंग का हो गया एक तरह से, अगर कोई भी टैक्सी वाला, कोई भी ऑटो वाला, चाहे वो ऊबर है, ओला है, चाहे वो काली पीली टैक्सी है, अगर कोई भी हमें ऐसा कोई केस नजर आया उस पर हम तुरंत चालान करेंगे। विजय गोयल कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलूंगा, क्या कहेंगे? उनको दिल्ली की चिंता नहीं है, ना थी ना कभी होगी। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ नजर आता है। दिल्ली वालों से कुछ अपील करेंगे आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। लगभग मैं एक डेढ़ घंटे से सड़क पे हूँ
मेजर कंप्लायंस जो है वो देखा गया, सारी इवन नंबर की गाड़ियां हैं, सबसे पहले उसका धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आप दिल्ली सरकार